साजिद रशीदी कर रहे खुली भविष्यवाणी। सीएम हेमंत बिस्वा इस्लाम कबूल करेंगे। बिस्वा सिखाएंगे मौलाना रशीदी को सबक। मौलाना का दावा 2029 तक हेमंत होंगे मुदस्सिर रहमान। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ बागीशा पांडे। सीएम हेमंत बिस्वा असम के मुख्यमंत्री हैं, कट्टर हिंदुत्ववादी और काफी कद्दावर नेता। उनके आक्रामक रूप को देखकर अब कई ऐसे मौलाना हैं जो बेहुदा बयान देकर नई जंग शुरू कर एक मुसीबत खुद के ऊपर मोल लेना चाहते हैं। मौलाना साजिद रशीदी, जिन्होंने अब खुलेआम ये कह दिया है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा 2029 तक इस्लाम कबूल कर लेंगे और उनका नाम मुदस्सिर रहमान होगा, ये भविष्यवाणी की है मौलाना साजिद रशीदी ने। आप भी सुनिए उनकी खुलेआम ये हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर भविष्यवाणी। कौवे के कोसने से ढोर नहीं मरा करते, और आज मैं एक भविष्यवाणी करना चाहता हूँ कि 2029 तक आसाम का जो मुख्यमंत्री होगा वह मुसलमान होगा, और वो मुख्यमंत्री जो होगा वो हेमंत बिस्वा शर्मा ही होगा, लेकिन उसका नाम मुदस्सिर रहमान होगा। ये कन्वर्ट हो जाएंगे इस्लाम में। आपने वीडियो देखा, इस वीडियो में सुना कि किस तरह से मौलाना साजिद रशीदी हेमंत बिस्वा पर एक नई बात और नया खुलासा, नई भविष्यवाणी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों पहले मौलाना ने एनएमएफ न्यूज से सीधे बात की थी, खुद एनएमएफ न्यूज पर आए थे मौलाना और ये कहा था कि मैं दावा करता हूं कि एक दिन हेमंत बिस्वा मुसलमान बन जाएंगे, ये मेरा दावा है, और अगर वो कुरान पढ़ लेंगे तो वो खुद कहेंगे कि मुझे इस्लाम कबूल करना है। मौलाना ने सीधे तौर पर कहा कि मैंने इतना नफरती कट्टर नहीं देखा, वो सुबह उठते हैं और सोचते हैं कि अब मैं मुस्लिमों के खिलाफ क्या बोलूं। आप सुनिए किस तरह से मौलाना ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर एक बड़ा दावा ठोका है, सीधे सुनिए। देखिए, मैंने हिस्ट्री जो पढ़ा है पूरी दुनिया की, जैसे अभी मैंने 13 लोगों का नाम लिया, एक शख्स उनमें से ऐसे हैं वो इस्लाम को बहुत बुरा भला कहते थे, बड़ी गालियां देते थे और मुसलमान को भी बुरी नज़र से देखते थे, और ये अमल उनका बहुत ज़माने तक रखा। लेकिन उनके दिल में पता नहीं क्या बात आई कि यार मुझे कुरान को तो पढ़ना चाहिए एक बार, जैसे मैंने गीता पढ़ी है, रामायण पढ़ी है, उपनिषद पढ़े हैं, मेरे पास सारी चीज़ें रखी हैं, मैंने हिंदू धर्म को पूरा पढ़ा है कि हिंदू धर्म है क्या। तो ऐसा नहीं कि कोई दूसरे धर्म को पढ़ने से मुसलमान पढ़े तो हिंदू हो जाएगा, हिंदू पढ़े तो मुसलमान हो जाएगा, हमें पढ़ना चाहिए। उससे क्या है, पता चलेगा कि भाई हमारे धर्म में क्या अच्छा है, उस धर्म में क्या अच्छा है, या यहाँ क्या कमी है, वहाँ क्या कमी है, इन चीज़ों का पता चलेगा। जब तक हम नहीं पढ़ेंगे हमें क्या पता, हमें तो सब अच्छा अच्छा दिखेगा। तो इसलिए फिर उस आदमी ने सोचा कि यार मुझे कुरान तो पढ़ना चाहिए, उसने फिर कुरान पढ़ा। उसने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि मैंने फिर कुरान को पढ़ना शुरू किया, और जब मैंने कुरान को पढ़ा तो मैंने देखा कि कुरान में तो ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जिसकी मुखालफत की जा सके, और वो मुसलमान हो गया। तो हेमंत बिस्वा शर्मा जो है सुबह से लेकर शाम, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि रात में वो आदमी सोता भी नहीं होगा, रात में एक नया शगुफा सोचता होगा कि कल मुझे मुसलमान के खिलाफ क्या कहना है, इतना कट्टर मुस्लिम दुश्मन। तो मेरा ये ओपिनियन है, मेरा ये मानना है, जैसे दूसरे लोगों को मैंने पढ़ा है, कि इतना कट्टर आदमी आने वाले वक्त में मुसलमान हो जाएगा। यकीनन उसके दिल में एक दिन ये आएगी कि नहीं, मुझे कुरान तो पढ़ के देखना चाहिए, और जिस दिन वो कुरान पढ़ लेगा, मेरा दावा है, वो अगर कहेंगे तो मैं पेश कर दूंगा उनको कुरान हिंदी ट्रांसलेशन में या इंग्लिश में, जिसमें भी कहेंगे, जिस दिन वो कुरान को पढ़ लेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं मुसलमान हुए बगैर नहीं रह सकते। इसलिए मेरा मानना है कि जितने लोगों ने भी कट्टरता के साथ इस्लाम को, और आप देखिए, देखिए मैं तो इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, ये जो इस्लाम को गालियां देते हैं ना रोजाना बैठ के, मैं कहता हूं और दो, इससे क्या होगी, जितना इस्लाम के खिलाफ नैरेटिव लोगों के जहन में जाएगा, उससे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनमें एक जिज्ञासा पैदा होती है,
अरे भाई ऐसा क्या है कि सारी दुनिया इस्लाम के पीछे पड़ी हुई है? चलो पढ़ते हैं। चलो पढ़ते हैं। तो उससे लोग पढ़ रहे हैं और इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, और बड़े बड़े नामवर हस्तियां इस्लाम में दाखिल हो रही हैं, तो हमारा तो फायदा है, अच्छी बात है, करें मुखालफत। तो सुना आपने, मौलाना ने ये इंटरव्यू दिया है एनएमएफ न्यूज को, जिससे में ये पूछा गया कि आखिर क्यों आप ऐसा कहते हैं कि हिमंता बिस्वा इस्लाम कबूल कर लेंगे। तो मौलाना ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो हर दिन हर सुबह उठकर ये सोचते होंगे कि आखिर अब मैं मुस्लिमों के खिलाफ क्या बोलूं, मैंने इतना कट्टर इंसान आज तक नहीं देखा। मैं निश्चित तौर पर ये कहता हूं कि वो अगर कुरान पढ़ेंगे तो वही कहेंगे कि मुझे इस्लाम कबूल करना है और मैं खुद उनको कुरान गिफ्ट करूंगा, ये मौलाना कह रहे हैं। लेकिन मौलाना शायद ये भूल गए हैं कि असम के मुख्यमंत्री है कौन। इस वीडियो को पोस्ट किया है टाइगर राजा सिंह, ये वीडियो अब फिर से वायरल हो रही है, एक नई जंग शुरू कर दी है मौलाना ने खुद के ऊपर, एक नया जो हम ये कह सकते हैं परेशानी मोल ले ली है। इस वीडियो को पोस्ट किया है टाइगर राजा सिंह सटायर के ट्विटर पोस्ट से, एक्स पोस्ट से, और लिखा है कि मौलाना शायद भूल गए हैं कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा जी योगी जी का अपडेट वर्जन है। एक और ट्विटर यूजर ने लिखा है कि इस्लाम में भी भविष्यवाणी होती है क्या। एक और दूसरे यूजर ने लिखा है कि ऐसा ना हो असम में सब मुस्लिम बन जाए उनके डर से, ये लिखा है ट्विटर यूजर ने, जो आप देख सकते हैं हमने आपको बताया। लेकिन आपको क्या लगता है, अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों घुसपैठियों पर खुलकर बोलने वाले सीएम हेमंत बिस्वा और अवैध मदरसों पर खुलकर बोलने वाले हेमंत बिस्वा को क्या मौलाना की बातों का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए? जिस तरह से मौलाना ने चैलेंज किया हेमंत बिस्वा को लेकर, क्या हेमंत बिस्वा इस पर कोई रिएक्शन करेंगे? क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से लोगों ने तो रिएक्शन दे दिया कि जब मौलाना ने इस तरह की बात की कि वो इस्लाम कबूल कर लेंगे, वो जब कुरान पढ़ेंगे तो उन्हें भी मुस्लिम बनना पड़ेगा, मैं खुला चैलेंज करता हूँ, मैं खुला दावा करता हूँ कि 2029 तक उनका नाम ये होगा। अब देखते हैं कि हेमंत बिस्वा इस पर जवाब देते हैं, लेकिन आप लोग मौलाना की बातों का क्या जवाब देंगे, ये कमेंट कर हमें जरूर बताइए कि आखिर मौलाना को हेमंत से पंगा लेना, हेमंत जी से पंगा लेना क्या भारी पड़ सकता है। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एनएमएफ न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।